हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवनीश वाजपेयी, डायरेक्टर हिस्टोरिका इंस्टीट्यूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं और आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझना है, देखना है, जानना है, तो आप पहले और दूसरे वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है क्या, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के तहत आपको इसको अगर जानना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर हमारा पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखें। आते हैं आज के पहले सवाल पर। यू हैव वर्कड हार्ड ऑन एन आइडिया विच यू बिलीव वुड बी अ ब्रेक थ्रू बट द प्रेजेंटेशन डज नॉट गो एज यू हैड होप्ड इट। भाई आपने क्या किया, एक आइडिया के ऊपर वर्क किया, मतलब एक कोई आपके दिमाग में विचार आया, दिव्य विचार आया और आपने उस पर काम किया, आपको लगा ये बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मतलब आपको बड़ा कामयाबी दिला देगा, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन था वो उतना अच्छा नहीं गया, उम्मीदों के अकॉर्डिंगली नहीं गया ना, तो क्या करोगे दोस्त। पहला ऑप्शन कहता है इग्नोर ऑल द सजेशंस एंड बिलीव दैट यू वेर करेक्ट। दूसरा ब्रेक डाउन एंड गेट ऑल द इमोशनल। तीसरा है टेक दिस एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कन्विंस योरसेल्फ दैट यू विल डू बेटर द नेक्स्ट टाइम। और चौथा है फील लाइक अ लूजर। तो जवाब आपका यहां पर से बी और डी बिल्कुल हटा देना है, बी और डी आपका जवाब नहीं हो सकते हैं। इमोशनल नहीं होना है आपको, टूटना बिल्कुल नहीं है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचना है डियर स्टूडेंट्स। तो जवाब अब आपका यहां पर से ए या फिर आपको डी में से देना है, सॉरी सी में से देना है, तो आप बिल्कुल इसका जवाब सी करेंगे, क्योंकि पता है आपको ये आपके लिए नया एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, और आप अपने को यही समझाओगे चलो भाई इस बार नहीं अगली बार आपका बेहतर होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और बाकी वीडियोस को भी देखें। ग्रुप डिस्कशन भी है, ग्रुप डिस्कशन में क्या करना, साथ साथ में अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्या है, 2 क्या है, सारी डिटेल्स में आपको चीजें मिल रही है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते जाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। योर कलीग इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज अप टू द मार्क। आपका एक कोई सहकर्मी है जो कि अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है अप टू द मार्क, तो क्या करोगे ऐसे में, जस्ट डू योर पार्ट ऑफ द ड्यूटीज एंड एंजॉय योर वर्क। नहीं भैया, अपना अपना नहीं करना है, टेक एडवांटेज ऑफ इट टू प्रमोट योर सेल्फ। इसका फायदा लोगे, प्रमोट अपने करो, करने की कोशिश करोगे, रिपोर्ट टू द सीनियर्स या ट्राई एंड हैंडल हिज कस्टमर्स टू मेंटेन द कंपनीज स्टेटस। भैया अगर वो पूरा तरीके से अच्छे से ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, राइट, तो ऐसे में आप क्या करोगे, उसकी मदद करोगे, राइट। आंसर यहां पर से आपको क्या करना है, डी, राइट। वो कहीं से भी कोताही नहीं बरत रहा है, वो ऐसा नहीं है कि आपका अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, परफॉर्म कर रहा बट अप टू द मार्क, यानी जो लेवल होना चाहिए उस लेवल तक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, देन आपको यहां पर मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, यू फाइंड दैट इन योर ऑफिस सम पीपल डो नॉट हैव मच वर्क, यू विल ट्राई। आप अपने ऑफिस में देखते हो कुछ लोगों के पास काम ही नहीं है, जब काम ही नहीं तो क्या करोगे भाई, उनका छुटकारा उनको दे दोगे, टू गेट रिड ऑफ देम समहाउ, नॉट थिंक मच अबाउट इट एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अदर्स। या तीसरा ऑप्शन कहता है टू शिफ्ट देम टू द अदर सेक्शंस वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ पीपल। यही होता भैया, जहां पर कमी है वहां पर उनको भेज दिया जाए, राइट। तो सही आपका आंसर आपको मिलता है कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला सवाल आता है, और ये सवाल है, योर बॉस हैज गिवन यू सम अर्जेंट असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द आवर, व्हाट वुड यू डू। घर जाने की तैयारी कर रहे थे, बैग समेट रहे थे, बॉस आया, बोला यार ये काम निपटा दो आज, बहुत ही जरूरी है, अब 2 घंटे और लगने, घर पे बीबी भी इंतजार कर रही, तुम भी क्या करोगे यहां पर। तो ट्राई टू फिनिश द जॉब एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, टेल हिम दैट यू डू इट द नेक्स्ट डे। सर दूसरे दिन कर देंगे, ये तो चलने वाला नहीं, बॉस इज बॉस, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर कलीग टू हेल्प यू, एक अपने सहमित से बोलोगे भाई मेरी मदद करो या नन ऑफ दीज। तो जवाब तो भाई ये बॉस ने काम दिया हुआ है, कुछ अर्जेंट है, तो आप बोलोगे भाई इसको तो करना ही करना है, तो ऐसे केस में आपको जवाब यहां पर आपका क्या कर देना है, ए, ट्राई टू फिनिश द जॉब एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा यहां पर है, योर बाथरूम टैप इज लीकिंग एंड इज कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेटिंग नॉइज। सो रहे थे तकिया दबा के और बाथरूम से टप 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 पानी टप 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 हो रहा है, नींद नहीं आ रही, कान आपका बंद किए जा रहे हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, यू क्या करोगे, स्लीप विद पिलोज अपॉन योर ईयर्स, जो मैं बता रहा था वही कर रहे हो ना, कानों
के ऊपर तकिया रख के दबा के कोई तरीके सोचोगे सो जाए. पुट अ बकेट अंडरनीथ, ट्राई टू पुट अप अ कॉर्क अपॉन द माउथ ऑफ द टैप, या कॉल अ प्लम्बर टू रिपेयर द टैप. रात में सो रहे तो प्लम्बर कहां से आने से रहा. नीचे बाल्टी भी रख दोगे तब भी टप 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 करेगा. एक कार घुसा दो, एक कपड़ा घुसा दो, जिससे कि आपका उसका चूना बंद हो जाए. आंसर क्या कर देंगे, सी. अगले सवाल पर आते हैं. और ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब आप एसआरटी टेस्ट देते हैं तो 45 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते, 30 मिनट में करने होते हैं. और ध्यान रखिएगा, हर एक सवाल आपको आंसर करना है, किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं. अगर तुमने कोई भी सवाल छोड़ दिया तो अपने आप फेल हो गए. 45 के 45 सवाल, सभी के आंसर आपको ओमार शीट में भरने हैं. 2, 4, 5, 10 गलत हो जाएंगे, 2, 4, 5 गलत हो जाएंगे, तब भी बात नहीं होने वाले, राइट. लेकिन हर एक सवाल अटेंड करना ही करना है. यू आर अ सोशल वर्कर ऑन विजिटिंग एन ऑर्फेंस, देयर इज वन चाइल्ड हु इज नॉट रेडी टू लेट यू गो अवे. आप एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जब एक अनाथालय जाते हैं, ऑर्फेन यानी अनाथालय, तो वहां पर एक बच्चा जो आपको छोड़ ही नहीं रहा कि भैया ना तुम तो लिपट ही गया, तब क्या करोगे भैया. ऐसे में यू इग्नोर द चाइल्ड बिकॉज यू हैव अदर किड्स टू अटेंड, यू लीव विद नो कंसर्न, यू डिसाइड टू विजिट हिम एवरी संडे, यू टॉक टू द अथॉरिटीज एंड अरेंज फॉर पेरेंट्स हु कैन अडॉप्ट हिम. भाई ज्यादा अच्छा यही है कि आप ऐसे में क्या करिए, जो अथॉरिटीज है उन्हीं से बात करिए और सोचिए कि कोई इसको आप क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके, राइट. और अगर नहीं होता है तो फिर आपको अक्सर वहां पर जाने की कोशिश करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. अगला सवाल हमारा यहां पर है, यू आर अ टीम लीडर एंड यू आर सपोज टू होल्ड अ कन्वेंशन ऑन एचआर इश्यूज, बट योर टीम मेंबर्स आर अनेबल टू गेट एडिक्वेट स्पॉन्सरशिप. आपको एक प्रोग्राम करना है, राइट, और आपके जो साथी हैं वो स्पॉन्सरशिप के लिए गए लेकिन स्पॉन्सरशिप पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाई, तो क्या करोगे भैया. यू पुट इन योर मनी एंड होल्ड द इवेंट एज शेड्यूल्ड, कहोगे भैया अपना जेब में रखो पैसा और इसको थोड़े दिन बाद करेंगे. यू ट्राई एंड मोटिवेट देम दैट दे कैन डू, आप उनको मोटिवेट करोगे, जाओ भाई ला सकते हो करो, यही तरीका एक है मात्र. यू पोस्टपोन द इवेंट एंड गिव देम सम मोर टाइम, पोस्टपोन कर दोगे, बोलो भाई थोड़ा और टाइम ले लो, हफ्ता दो हफ्ता, या यू टेल देम थिंग्स कैन वर्क आउट लाइक दिस एंड कैंसिल द इवेंट. भाई कैंसिल कर दोगे क्या, नहीं 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 बाबा, कैंसिल नहीं करना, सिर्फ उनको मोटिवेट करो कि भाई ठीक है आप लोग जाइए, कोशिश करिए, काम होगा. अब ये मत कह देना सर अगर तब भी ना हुआ तब क्या करेंगे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इन अ बस, द बस रीचेज योर स्टॉप बट स्टिल यू हैव नॉट परचेज द टिकट बिकॉज ऑफ द हैवी रश, व्हाट विल यू डू. हमारे यहाँ पर बहुत ढेर सारे बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, बस से आते हैं, और ऐसा हुआ कुछ बस में बहुत भीड़ थी, टिकट कंडक्टर तुम तक पहुंच ही नहीं पाया और आपका स्टॉप आ गया, तो ऐसे में क्या करोगे भाई. आपको करना क्या है, लीगलिटी दिखानी, नैतिकता दिखानी, मोरलिटी दिखानी है. आप कहाँ जाओगे, जंप आउट क्विकली टू अवॉइड द एम्बैरेसमेंट, कॉल द कंडक्टर, गिव हिम मनी एंड गेट द टिकट, हैंड द मनी टू सम वन सिटिंग नियर बाई टू गिव इट टू द कंडक्टर. अगर अपने अगल बगल में बैठे आदमी दे दोगे भाई कंडक्टर को दे देना, या गिव द मनी टू द ड्राइवर, या ड्राइवर को दे दोगे ड्राइवर साहब रख लो थोड़े से पैसे पान मसाला खा लेना. नहीं भैया, आप कंडक्टर को बुलाइए, उसको पैसे दीजिए और कहिए मेरा टिकट मुझको दीजिए, ये नैतिकता है, राइट. इसको छोड़ के मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सब कुछ करोगे, लेकिन आप समझिएगा जो करते हो यहाँ जवाब नहीं देना बिल्कुल भी. नेक्स्ट क्वेश्चन 39, After your graduation, you are offered a well-paid government job. Graduation पूरा हो गया, बहुत बढ़िया नौकरी लग गई. However, your friend says that you have to bribe to get the appointment order. Appointment चाहिए, मित्र कह रहा है कि वहां तो भैया पैसा देना पड़ेगा. अब क्या करोगे यहाँ पर? Go to some influential politician who can help. किसी मंत्री संतरी के पास जाओगे, उससे कहोगे भैया मेरी मदद करो. या फिर accept the job by paying the bribe, consoling yourself that it is the present social setup. भैया ये ब्राइड नहीं है, ब्राइड भी है, राइट. तो यहाँ पर समझे रहिएगा, आप जय दे दोगे घूस और कहोगे ये तो भैया आजकल चलता ही है, चलो ठीक है. और अगला ऑप्शन है, एक्सेप्ट द जॉब बाय पेइंग द ब्राइब बट फर्मली रिजॉल्व दैट दिस इज द लास्ट टाइम यू विल पे ब्राइब. कहोगे लो अच्छा दे दे रहे हैं, है ना, नौकरी करनी है लेकिन आज के बाद जिंदगी में कभी भी घूस नहीं देंगे, ये सब कुछ नहीं चलेगा. आपको नैतिकता पूर्ण जवाब देना, फ्लैटली रिफ्यूज द ऑफर, कुछ नहीं, कोई घूस नहीं देनी. जनरली आपको मैंने फिर बताया, तुम सब कुछ करोगे, ABC सारे जतन लगाओगे, लेकिन डी सबसे लास्ट में आपका तरीका बसता है. आपको जवाब हमेशा नैतिकता वाला ही देना होता, मोरालिटी से भरा ही देना होता है. आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज,
वेन यू विजिट एनी हिस्टोरिकल प्लेस यू ट्राई टू, आगरा घूमने गए ना, लाल किला घूमने जा रहे हो, या फिर चित्तौड़गढ़ जा रहे हो, यहाँ पर भी जा रहे हो, वहां पर क्या करोगे? राइट, वहां पर वेदर का एंजॉयमेंट नहीं करना, वहां पर आपका लोगों को नहीं देखना, ताड़ना नहीं है किसी को भी, करना क्या है वहां पर आप देखिए कि वो पर्टिकुलर प्लेस किस वजह से आपका फेमस है, एक्सप्लोर द कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ द डिजाइन। राइट, जब भी किसी बिल्डिंग को देखिए, आपका ऐतिहासिक बिल्डिंग, तो उसका कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट जरूर।